हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्जाम रिव्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट 3। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आबकारी, पटवारी एवं फॉरेस्ट में पूछे गए थे, वही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उनकी पीडीएफ है। बता दो फ्रेंड, जैसे कि 35 नंबर का आपके एग्जाम में एमपी पुलिस में जीके एवं साइंस पूछा जाता है, जिसमें फ्रेंड्स यहीं से देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि बता दें आपको, व्यापम कभी क्वेश्चन नहीं बनाती, व्यापम कॉपी करती है, ओनली यहीं से कॉपी करती है, जो एग्जाम हो चुके हैं उनका कॉपी करते हैं। तो फ्रेंड्स बता दें, जो आज का प्रैक्टिस सेट है वो 6 तारीख का है, 6/2/2023 का, सेकंड शिफ्ट का। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, केडी पद निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोल्फ से। किससे? गोल्फ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के साथ सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा कल्पना दत्ता, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, नहीं किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। कौन सा? मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स बता दें आपको, जो क्वेश्चन आपके हैं यहीं से देखने को मिलेंगे प्रैक्टिस सेट से। फ्रेंड 90% आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के, साइंस, यहीं से फ्रेंड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने पर पहला प्रयास किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दादाभाई नौरोजी ने। किसने? दादाभाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीप नदियों में से कौन सा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस नदी तंत्र के जो जलप्रपात का निर्माण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा शरावती नदी। कौन सा? शरावती नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले बात करते हैं फ्रेंड्स चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए है। बात करते हैं फ्रेंड्स, कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, पुलिस मुख्यालय, गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत, मध्य प्रदेश प्रदेश पुलिस आरक्षक एवं कार्यपालक, जीडी एवं रेडियो ऑपरेटर से संबंधित यह बुक है। भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ स्टडी गाइड है, यहाँ आपको सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान देखने को मिलेगी, बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि, विज्ञान एवं सरल अंकगणित और समसामयिकी देखने को मिलेगी। फ्रेंड्स बता दें आपको, इस बुक में आपको 5 वॉलपेपर देखने को मिलेंगे और 3200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक प्रैक्टिस सेट की बुक है, ये भी एक बुक आती है चक्षु प्रकाशन की, जो कॉन्स्टेबल जीडी एवं रेडियो ऑपरेटर के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें आपको फ्रेंड्स 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे, 5 वॉलपेपर देखने को मिलेगी और 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स इसे इस बुक में सामान्य ज्ञान एवं तार्किक ज्ञान है, बौद्धिक क्षमता एवं सरल अंकगणित है, यह पुस्तक अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेट इंडियन नॉवल के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने दूसरी बार सुदर्शन सरोवर की मरम्मत कराई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा स्कंद गुप्त ने। किसने? स्कंद गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति मूल रूप से भारत सरकार द्वारा किस वर्ष नियुक्त की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1957 में। कहाँ से? राजस्थान। फ्रेंड्स आपको बता दूं फ्रेंड्स, विश्वास करिए आपको 90% क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएंगे फ्रेंड, यही प्रैक्टिस सेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक दलों में से संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा 8। कितनी संख्या है? 8 संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान अपना अधिकार कहाँ से प्राप्त करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत के लोक से। कहाँ से? भारत के लोक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्था की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1926 में। कब हुई थी? 1926 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में भारत का कौन सा क्षेत्र नील की खेती के लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल। कौन सा? बंगाल। फ्रेंड्स बता दें आपको, डेली प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा इस चैनल पर, एमपी पुलिस के लिए बहुत ही मोस्ट है फ्रेंड्स, और यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर पार्टी किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा निर्यात व्यापार के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण बटन एवं साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजता के अधिकार पैनल का निर्धारित करने के लिए किस समिति की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति एपी शाह समिति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान के प्रवेश द्वार पर 24 तीर्थकर महावीर स्वामी जी का पदासन मुद्रा में प्रतिमा स्थापित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दिगंबर जैन मंदिर।
गुफा संख्या 10 और अनमंदिर मुक्तगिरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने 10,000 रुपये से अधिक की राशि के लिए यूपीआई लेन देन के लिए ईएमआई सुविधा प्रदान की है? तो राइट आंसर हो जाएगा आईसीआईसी बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया के पूर्ण उन्मूलन के लिए लक्षित वर्ष कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सन 2030 तक। कब है? सन 2030 तक, और भारत की बात करें तो 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के महास्तूप में कितने द्वार हैं? तो राइट आंसर होगा 4 द्वार। कितने हैं? 4 द्वार। तो फ्रेंड एक्चुअली बात करते हैं साइंस की बात करते हैं। फ्रेंड्स आपको डेली प्रैक्टिस सेट में जीके एवं साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए साइंस की देखते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नेशिया एक है, क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा घोल है। क्या है? घोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन तेल चित्रों के रंगों को पुनर्स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। किसका? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा एस मैग्नेटाइट होते हैं किसके? Fe2O3 के। किसके होते हैं? Fe2O3 के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट हीट से कम तापमान पर गर्म होने के बाद स्टील को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है, प्रक्रिया संबंधित है किससे? तो एनीलिंग से। किससे? एनीलिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक स्टेट और संबंधित हाइड्रोलिक स्टैंड का अनुपात होता है? तो राइट आंसर हो जाए, उसे क्या कहा जाता है? थोक मापक। क्या कहा जाता है? थोक मापक। फ्रेंड्स आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोमोट्रोपिन एक एंजाइम नहीं है। ट्रिप्सिन पेप्सिन एवं एमएलआई तीनों एंजाइम है, सोमोट्रोपिन एंजाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूर के ऊंचे भवन की छवि को पूरी लंबाई का उपयोग करते हुए देखा जा सकता है? तो किस लेंस से? उत्तल लेंस से देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अपशिष्ट को छोड़कर सभी पुनर्चक्रण योग्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा पुरानी दवाई को छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन किसके साबुनीकरण से बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिंपल ईस्टर के साबुनीकरण से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधापन दुर्ग की विफलता और कोरोनरी थ्रोम्बोसिस निम्नलिखित में से किसकी एक बीमारी है? तो राइट आंसर हो जाएगा मधुमेह की। किसकी? मधुमेह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जीवी की एक सही विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा दिए गए विकल्प में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल के ऊपर के छोटे कक्षों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एट्रिया। क्या कहा जाता है? एट्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सहसंयोजक बंधन किसके बीच विकसित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दो अधातुओं के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की मात्रा को मौलिक इकाई क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोल। क्या है? मोल एक मौलिक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो स्रो हाउस कहाँ पाए जाते हैं? तो राइट आंसर जहाँ ठंडी अधिक पड़ती है। कहाँ? जहाँ ठंडी अधिक पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी से अवशोषित होने वाले खनिज है? तो राइट आंसर हो जाएगा गंधक नाइट्रोजन फास्फोरस ये सभी। कौन से? गंधक नाइट्रोजन एवं फास्फोरस। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा प्रभाव आरेख के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? एक एकल प्रजाति एक खास जल में केवल एक पोषी स्तर हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बर्मी कॉम्पोस्टिंग के लिए उत्तरदायी है? तो राइट आंसर हो जाएगा कीड़े। कौन से? कीड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को चारों ओर से घिरे हुए वायु के आवरण को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा वातावरण। क्या कहते हैं? वातावरण कहते हैं। फ्रेंड्स क्या कहते हैं? एक मिनट, वातावरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में किस जिले को सबल शौचगर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नदिया ने। तो फ्रेंड्स आज के इतना ही, जो जीके एवं साइंस के दोनों मिलाकर क्वेश्चन कराए हैं। फ्रेंड्स आपको बता दें, आपका ये थर्ड प्रैक्टिस सेट था, कल फोर्थ लेके आऊंगा। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। फ्रेंड्स आपको बता दें, ऐसे फ्रेंड्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जीके एवं साइंस के, इससे बाहर नहीं जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों को कभी क्वेश्चन नहीं बनाता और हमेशा वो कॉपी करता है। तो बता दें, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।